गुड मॉर्निंग गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। और अभी मैं यहाँ पे बैंक आया हुआ था, सुबह जल्दी आ गया था, तो अभी 5-10 मिनट मेरे को वेट करना पड़ेगा, उसके बाद बैंक से कुछ पैसे निकलवाने थे, तो इसलिए आया था। क्योंकि कल हमें बेसिकली जो मैंने एक ब्लॉग में डाला था कि हमें डोर्स वगैरह पसंद करने के लिए जाने हैं, तो कल संडे है तो हम वहाँ पर जा पाएंगे। उस दिन में शाम के समय टाइम नहीं मिला, तो एक्स्ट्रा क्लास जो थी वो मैंने शेड्यूल कर दी थी, तो इसलिए उस दिन जा नहीं पाए कल। तो अभी आज जो है वो पैसे निकलवा लेते हैं ताकि कल जो है वो जा पाए वहाँ पे डोर्स वगैरह देखने, और साथ में हमें नल की जो फिटिंग है उसका भी कुछ सामान जो है वो लेकर के आना है, तो उसके वो भी हमें परचेजिंग के लिए जाना है। तो कल संडे का दिन रहेगा तो ये सारी परचेजिंग कर सकते हैं। तो आज सैटरडे है तो क्योंकि मंथ का फर्स्ट सैटरडे है तो बैंक खुला है, तो आज पैसे निकलवाने के लिए आया था। और यस, तो अभी मैं शॉप पे आया हुआ था, साइट के लिए निकल रहा था, पर साइट पे निकलने से पहले मेरे को बीच में कॉल आ गया पुट्टी वाले का। उसको पुट्टी को घिसने के लिए पेपर वगैरह चाहिए थे, तो वो हम लेने के लिए आए हैं, तो अभी वो ले लेते हैं। और आपको पता है कि पुट्टी वगैरह का सारा सामान मैं यहीं पे लेकर के जा रहा हूँ। ये रामपुरा रोड पे ही है ये शॉप, नागौरी इलेक्ट्रिकल्स करके, तो वहाँ पे कितने बोले थे उसमें, ये एक ही बोला। और पेपर, और इसमें पेपर, तो ये एक ही बोला है और कुछ नहीं बोला, कुछ और बोला। तो अलग से वो 10-15 कुछ पेपर दे रहा था, वो तो अभी अपन ने ये पेपर्स और ये जो है एक ये इनकी घिसाई के लिए चाहिए थे आइटम्स, तो अभी ले लिए हैं। और तो अभी ये सारे आइटम्स जो हैं अपन नागौरी इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर नेम से ये शॉप है रामपुरा रोड पे, वहां से हमने लिए हैं। और पुट्टी वगैरह सारी अपनी यहीं से जा रही है, जेके की पुट्टी है ये। इसके लिए मैंने अलग से एक लोग डाला हुआ है, तो आप वो जाकर के चेक कर सकते हैं कि पुट्टी का कितना क्या कर जाता है। तो अभी जल्दी से निकलते हैं साइट के लिए। अभी आ गया साइट पे, और सबसे मेन दिक्कत तो आज यहाँ पे ये हो गई कि जो मैं निकल गया था बैंक के लिए, और यहाँ पे मैंने सोचा कि घिसाई वाला जो है वो आ जाएगा, तो उसके पास एक मैंने चाबी दे रखी है यहाँ की, तो वो लॉक ओपन कर देगा, पर वो आया नहीं टाइम पे, और उसकी वजह से जो ये पुट्टी वाले हैं इनको भी 2 घंटे से लगभग बाहर बैठना पड़ा। तो अगर तो इसकी वजह से थोड़ा सा माइंड खराब हुआ, पर अभी यहाँ पे अंदर की तरफ तो डबल हाथ जो है वो हो चुका है, और ये बाहर सिंगल हाथ जो है वो भी हो चुका है। तो ये एक तरीके से अपना वर्ग जो है पुट्टी का तो काफ़ी फास्ट से चल रहा है। कल 5 से 6 लोग थे, तो अंदर का पूरा डबल हाथ जो था वो कंप्लीट कर दिया। आज टाइम हो गया, तो आज घिसाई वगैरह हो जाएगी, तो और भी अच्छी सी फिनिशिंग जो है वो आ जाएगी। उसके बाद प्राइमर, एंड ऐसा करेंगे कि प्राइमर में कुछ कलर मिक्स करवा देंगे वाइट कलर, तो उससे थोड़ा सा फिनिशिंग जो है वो और भी अच्छी आ जाएगी। अभी हमें थोड़ा सा काम ये बचा हुआ है ये करवाना है, पर मौसम का कुछ कह नहीं सकते, बारिश जैसा हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ये काम पेंडिंग चल रहा था। यहाँ से ये हमें इसको सही करवाना था, साथ में यहाँ पे प्लास्टर करवाना था, तो ये कुछ काम पेंडिंग चल रहा था। पीछे भी हमारे यहाँ पे पीछे वाला जो प्लॉट है वहाँ पे भी मकान बन रहा है, तो ये छत की तैयारी चल रही है उस पर, तो ये देख सकते हो आप। इसमें ये दोनों प्लॉट जो हैं वो एक ही है, दो प्लॉट को मिला करके ये बन रहा है। मलखान जी, तो ये जैसे कि अपन क्या करें, ये प्राइमर जो आप बोल रहे हो ना, प्राइमर के अंदर क्या थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स कर दे, तो बुलेट डालेंगे ना, हाँ इसकी अलग से ही बाल्टी अलग आएगी, तो इसमें ट्यूब डाल देंगे ना प्राइमर के अंदर ही, क्यों प्राइमर के अंदर अपन कलर डालेंगे ना, तो 19-20 हो जाएगा पूरे में, बार लगते आप करवा रहे तो एक आध कलर करा दो फ्री, और बॉर्डर पट्टी डलवा दो फ्री हो जाएगा आप, क्यों बढ़िया हो जाएगा आप, ठीक है इसका मैं आपको बता दूं। एक बार प्राइमर तो अपने को सब में एक बार तो वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें क्या पड़ेगा, बोले ओके ठीक है, तो वो मैं लेके आ जाऊंगा।
तो एक बार वो तो आप कर दो, फिर मैं उसका और डिसाइड करके आपको बता दूंगा, ठीक है? इधर से स्टार्ट कर रहे हैं ये, इसका फिर क्या किया वहां पे? तो फिंगर से हाथ करना क्या? इसका तो साइड तक कर दिया है, डबल भी कर दिया, इस पे डबल भी हो गया, इस पे डबल हो गया, वो बाकी और एक आगे वाला, आगे वाला बाकी, आगे वाला बाकी, अगर कल नहीं किया होगा तो बाकी था, आगे लिख भी रहा है ये, आगे से जो किया होगा बाकी है, गोला किया हुआ था पर ये क्या ऊपर से काम किया होगा तो उससे थोड़ा गिरा होगा तो पत्ती से पहले साफ करके चले। आज शाम को ऐसा करते हैं, इसको धुलवा दूंगा तो एक बार थोड़ा क्लीन दिखने लग जाएगा। अभी मैं धुलवाऊं की सही होते हैं ना? फिर तो प्राइमर वगैरह में तो इतना भी सही रहेगा, मौसम देखते हैं, अगर मौसम जिस दिन अपने को खुला लगे ना, भले ही जाए कल हो या परसों, ठीक है, माल तो ला लेने के बाद कैसे लाने, एक दिन में ही होते हैं, कल भी अगर मौसम खुला रहता है तो आगे का थोड़ा सा है ना काम, जो आगे का ये सीएनसी वाला वो थोड़ा करवा देता हूँ, पीछे वाला भले प्लास्टर दे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे का आपके टेक्सचर टेक्सचर तो हो जाएगा। हाँ नहीं, मेरा भी वही मन है कि भाई जल्दी से फ्री हो। हाँ हाँ, टेक्सचर टेक्सचर ओके कंप्लीट हो जाए, और ये गेट वेट के इनका इनकी कलरिंग कैसे क्या होगी, गेट की इसकी हैंड से या फिर मशीन? हाँ वो कलर मैं डिसाइड करके आपको बता दूंगा, ठीक है, इनमें कौन सा क्या डलवाना है। तो भी साइड पे जाके घर पे आ गया और वहाँ पे जो भी इनको सामान देना था दे दिया है, आज से घिसाई जो है वो स्टार्ट हो गया, डबल हाथ हो गया, तो ऐसे काम होना चाहिए, तो सीखना चाहिए उन जैसे कॉन्ट्रेक्टर को, जो जैसा कि अपने को पहले मिला था, लोग तो वो भी देखते ही होगा या उसकी फैमिली से कोई ना कोई जरूर देखता होगा, मेरे को पता है, तो काम ऐसे होता है, यही मैसेज था, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर मेरे 10-30 हज़ार ज्यादा लग जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर क्या कि उन ऐसे लोगों को थोड़ा सा कि अपनी जो एक कमिटमेंट होती है ना उस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे उसके बाद वापस साइट पे जाएंगे। तो यस गाइस, तो अभी मैं वापस से आ गया हूँ अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, थोड़ी देर के लिए घर पे गया था, रेस्ट पे किया और उसके बाद अभी आया हूँ वापस, इनको और मेरे को कुछ और सैंड पेपर जो थे वो और देने थे ताकि इनको ये दिखाई के लिए, तो उसमें पहले लेकर के चला गया था और कुछ मेरे गाड़ी में रह गए थे तो वो मेरे यहाँ पे अपनी वापस लेने के लिए आया था, और बाकी जो ये आगे का रूम आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे उन्होंने दिखाई कर दी, तो अभी इसके ऊपर अभी प्राइमर और का एक बात और होगा, और उसके बाद अगर हम कलर करवाने का सोचेंगे तो वो करवा सकते हैं, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार प्राइमर करवा के इसको पूरा वाइट ही रहने दिया जाए, क्योंकि उससे ग्लो काफ़ी अच्छा आ रहा है, और क्योंकि हमने मार्बल जो है वो भी बिल्कुल वाइट वाला ही कनेक्ट किया था, और बाद में ये भी पूरा वाइट ही रखने का हमारा प्लान है। तो अभी इस रूम की जो है वो घिसाई जो है वो चल रही है, आप देख सकते हो अंदर इस रूम के अंदर घिसाई चल रही हो, और जो मैंने मेरा जो बेस्ट डिसीजन था कि यहाँ पे मैं एक OTS रख देता हूँ, उससे मेरे को जो पास वाला रूम है और इस रूम में काफी अच्छा उजाला मिल जाएगा, और यहाँ पे भी मैंने एक बड़ी सी विंडो रखवा दी थी ताकि इस बड़े से गेट जो यहाँ से रोशनी आए वो अंदर रूम तक आ पाए, तो अभी आप देख सकते हो दिन के समय काफी अच्छा उजाला है इस रूम में, और ये वाला जो रूम है इसमें भी पीछे OTS की वजह से इसमें भी काफी अच्छी रोशनी रह रही है, तो ये मतलब जो कुछ डिसीजन थे उससे मेरे को इनका ही कुछ फायदा जरूर हो रहा है। तो अभी ये मेरे को जैसे कि बता रहे थे कि कल
या परसों मेरे को इनको प्राइमर ला करके देना पड़ेगा और उसके बाद हमें एक के लिए कलर भी ला करके देना है जिससे कि ये कलरिंग वगैरह भी स्टार्ट कर पाए। अभी मेनली क्या मेरे को मेन दिक्कत ये आ रही है कि इसके लिए कलर हमें फाइनल करना बाकी है हमारा कि हम कौन सा कलर सेलेक्ट करें, क्योंकि अब इसमें CNC पोर्शन है, ये बाकी के पोर्शन है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मल्टीपल कलर्स यूज करके इस केक को बनवाएं। और बाहर का जो टेक्सचर होना है वो अभी बाकी है, वो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा खुला मौसम हो तो हम करवाएं, क्योंकि अभी जिसकी अभी अच्छी खासी धूप निकली हुई है, पर सुबह का मौसम कुछ इस तरीके से था कि बारिश आएगी तो कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है मौसम, तो उस वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। पर मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन के अंदर जैसे ही खुला मौसम दिखेगा, एक दिन का ही काम है अपने टेक्सचर का, तो वो ये आदमी लगा करके और ये सारा कंप्लीट हम करवा देंगे। संडे है तो कल संडे का मैंने जब भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम गेट वगैरह ज़रूर देखने जाएंगे और जो हमें नल वगैरह की फिटिंग वगैरह भी देखनी थी तो वो भी देखने जाएंगे। तो कल जो ब्लॉग शूट होगा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं और ये ब्लॉग्स आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं अपने सीख रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में एक तरीके से ये कंस्ट्रक्शन का काम मैं करवा रहा हूँ, तो ये जो मैं जो सीख रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि आप तक भी वो चीज़ें पहुँचे। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप ये सारे कंटेंट आप तक पहुंच पाए। तो आज के ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ आज का ब्लॉग। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, नेक्स्ट ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि जो ये पुट्टी वाले थे इन्होंने भी मेरा ब्लॉग देखा होगा जो मैंने लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था कि हम कि 1200 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हमें पुट्टी करवानी हो तो कितनी कॉस्टिंग हमारी आती है, तो वो लोग वो वाला ब्लॉग इन्होंने भी देखा होगा। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना आप हमारा भी एक ब्लॉग पूरा कंप्लीट एक ब्लॉग शूट कर दीजिए, क्योंकि इनकी जो है वो इनका जो वर्क है वो भी काफ़ी इनकी साइट्स वगैरह चल रही हैं तो काफ़ी अच्छा वर्क है। तो मैंने कहा कि ठीक है आपका भी एक ब्लॉग शूट कर देंगे, पर अभी जिससे कि उदयपुर के जो लोकलाइज हैं वो तो इनसे काम करवा ही सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा वर्क था इनका। तो अभी तभी और भी आगे जैसे जैसे वर्क होता जाएगा, टेक्सचर का वर्क, कलर का वर्क, तो आप तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।